एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मी काजल एंड गाइस, आज मैं एक हेयर रिमूवर क्रीम से मेरी आईब्रो एंड अपर लिप्स करने वाली हूँ। सो मुझे थ्रेडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वैक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गाइस, मैं घर पे किस तरह हेयर रिमूवर क्रीम से मेरी आईब्रो एंड अपर लिप्स बनाती हूँ वो वीडियो डिटेल्स में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। एंड यहाँ पे मेरे रूम में फ़ैन की आवाज़ आ रही है, सो प्लीज़ इग्नोर। एंड मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये कॉस्मो सिल्क की हेयर रिमूवर क्रीम से मैं मेरी आईब्रो हर मंथ करती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे पार्लर में जाना नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग से बहुत ही डर लगता है। मुझे अपर लिप तो बिल्कुल भी थ्रेडिंग से करवाना पसंद नहीं है, वैक्स से भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे दर्द बहुत होता है। इसलिए मैं ये अफोर्डेबल प्राइस में, डिटेल्स में मेरी चैनल पे वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो गाइस। एंड वन ऑफ द बेस्ट है ये रोज़ वाला फ्लेवर है मेरे पास, लेकिन जो लेमन वाला फ्लेवर आता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है गाइस। एंड हमारी स्किन ब्लैक भी नहीं होती। एंड ये बेस्ट वाली हेयर रिमूवर क्रीम है एंड ये अफोर्डेबल भी है गाइस। सो सबसे पहले हमें क्या करना है वो देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मेरी आईब्रो को डिफाइन कर लूँगी आईब्रो पेंसिल से, क्योंकि मुझे कौन सा शेप चाहिए वो मैं प्रॉपरली मैं आईब्रो पेंसिल से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ गाइस। एंड ड्रॉ करने के बाद उसके आसपास में ये हेयर रिमूवर क्रीम को अप्लाई कर देती हूँ एंड 10 मिनट तक रखती हूँ। सो सबसे पहले इसे हम ड्रॉ कर लेते। सो यहाँ पे मैं मिरर में देखते हुए मेरी आईब्रो को ड्रॉ कर लूँगी। ओके, सो गाइस, इसे अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी जलन होती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इसे कितने मंथ से कितने साल से यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो डरने की कोई बात नहीं है एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दिस इज़ द बेस्ट क्रीम गाइस एंड मैं तो ऐसे ही घर पे ही हेयर रिमूव करती हूँ, मेरे अपर लिप्स के एंड मेरे आईब्रो बनाती हूँ। ओके, सो गाइस, नॉर्मल वाटर से फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ी सी रेडनेस आ गई है, लेकिन गाइस थोड़ी देर बाद चली जाएगी। एंड यहाँ पे मैं
अलोवेरा जेल अप्लाई कर लूँगी। एज यू कैन सी अलोवेरा जेल से जो सारी रेडनेस है ना वो चली जाएगी एंड स्किन 10 मिनट के बाद जैसी थी वैसी हो जाएगी। एंड ये सेफ हेयर रिमूवर क्रीम है गाइस एंड बेस्ट है एंड ओनली 40 रुपीज़ में मिल जाएगी।